नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में सीएसटी कोर्ट के बाहर एक जने ने जहर खाकर दी जान। कोर्ट में पेश हूं पर चक्कर लगाकर हो चुका था परेशान। सुसाइड करने से पहले रीडर को थमाया था सुसाइड नोट। अलवर के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। झुंझुनू के चिड़ाओं में ब्लैकमेल करने के मामले में महिला सहित तीन को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेलिंग। आरोपियों से 50,000 रुपए की नकदी की बरामद। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब की 210 पेटियों की जब्त। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। अजमेर के बायतू की खोखसर में संस्कृत स्कूल 13 दिनों से बंद। शिक्षक नहीं होने से स्कूल है बंद। स्कूल के छात्रों का भविष्य अंधकार में। शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक नहीं ली सुध। यूं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एससीएसटी कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि बिहार के नालंदा गांव निवासी जयकांत ने अपने सुसाइड नोट में किसी मामले में लगातार पेशियों पर चक्कर काटने से तनाव में आकर आत्महत्या कर रहा है। एससीएसटी कोर्ट के बाहर उसे जहर खाने से पहले कोर्ट के रीडर को अपना सुसाइड नोट थमा दिया गया था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और मृतक के परिजनों को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति ने सल्फोज खा करके सुसाइड कर लिया है। उसकी मृत्यु भी हो गई है ऐसा बता रहे हैं। उसके पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें कि उसने अपने आप को विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त और परेशान होना बताया है। उसका उस नोट के अनुसार कोई आज फैसला भी होना था शायद एससीएसटी कोर्ट में, जिसको लेके वो कह रहा है कि मैं शायद बरी हो जाऊँगा और मैं उससे पीड़ित नहीं हूँ, प्रताड़ित नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपनी बीमारियों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और किसी को इसके लिए परेशान नहीं किया जाए। इस तरह का सुसाइड नोट उसके पास मिला है जिसकी भी जांच की जा रही है और मर की कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठियों के रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर कैलाश चंद मीणा ने निषेधाज्ञा लगाई है। भारत पाक सीमा की 5 किलोमीटर में रहने वाले स्थानीय लोगों को शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक क्षेत्र में आ जाने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अगले 2 महीनों तक बिना अनुमति पत्र के क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित रहेगा। चित्तौड़गढ़ के निमेहेड़ा में सदर थाना पुलिस ने अरनोदा गांव में हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गौरतलब है कि सोमवार को गांव के एक युवक की तलवार से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गहनता से जांच कर पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई तलवार पर लगे खून के धब्बों से हत्याकांड का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि तलवार पर लगे खून के धब्बे घटनास्थल से आरोपी के घर तक जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं आरोपी युवक से वारदात में काम में ली गई तलवार भी बरामद कर ली गई है।
धौलपुर जिले की सेपुर थाना पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने धौलपुर जिले सहित यूपी और एमपी में भी दर्जनों वारदातें करना कबूल लिया है। उन शातिर बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल, परचून का सामान सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। वहीं सेपुर थाना प्रभारी ओमेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने राजू पुत्र फूली निवासी पुराना शहर धौलपुर और कृष्णा पुत्र वीरेंद्र निवासी कुकरसा थाना जगनेर यूपी को धर दबोचा है। जिनके कस्बे से पुलिस ने मोबाइल सेटों के अलावा भारी तादाद में दुकानों से चोरी किया हुआ परचून का माल बरामद किया है। मैं चौधरी ने बताया कि दोनों बदमाश नकबजनी की वारदातें करने में खासे माहिर हैं। दोनों ने साथ मिलकर लगभग एक दर्जन दुकानों से चोरी करना कबूल लिया है। पुलिस द्वारा कृष्णा एवं राजू दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों चोर दुकानों के ताला तोड़कर चोरी करने में महारत हासिल है इनको। इन लोगों ने सैपू, तशीमो, बारी, जगनेर, धौलपुर कई स्थानों पर दुकानें तोड़कर उन्होंने सामान लेके गए हैं चोरी के। हमारे यहाँ भी इनके 3 मुकदमे दर्ज हैं। अलौर के जनाना अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई है। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया है। लक्ष्मणगढ़ के करिया गांव निवासी प्रसूता प्रियंका राजपूत को जनाना अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती करवाया गया था। वहीं बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद प्रसूता प्रियंका ने पेट दर्द की और खांसी होने की शिकायत बताई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर को इसके बारे में बताया तो नर्स ने महिला को विक्स की गोली खिलाने के लिए बोला। इसके लिए कुछ देर बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 210 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर चालक राम कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पिकअप की जांच की गई तो पिकअप में अवैध शराब की पेटियां मिली। वहीं पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी देसी शराब की भर के आ रही है, जिसके पास कोई परमिट वगैरह या परिवहन का कोई अनुज्ञापत्र नहीं है। इस सूचना पे राजनगर चौराहे पे हमने नाका लगाया तो लगभग 6:30 बजे एक पिकअप आई, जिसको रुकने का इशारा किया, रोका, देखा तो उसके पास से 210 पेटियाँ देसी शराब की हो गए मिली, जिसके पास कोई परिवहन का नहीं था। अजमेर के नसीराबाद में NH-79 पर कोटा चौराहे के नजदीक एक ट्रेलर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नसीराबाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। वहीं युवक की हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच में जुट गई है। धौलपुर के सेपू कस्बे में पिछले 4 दिनों से लापता हुए युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवक के नहीं मिलने पर घर वालों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वहीं युवक के परिजनों ने बताया कि युवक से ट्रेन में बैठने के बाद आखिरी बात हुई थी, उसके बाद उसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। परिजनों ने सेपू थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। कोटा के इटावा इलाके में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पार्वती नदी पर बनी पुलिया शायद हादसों का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि पुलिया पर बने गहरे और बड़े बड़े गड्ढे हादसों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों का पुलिया पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों से हादसों का डर सता रहा है। वह नदी पर बनी पुलिया की हालत खासी खराब हो चुकी है।
पुलिया पर दोनों साइड में लगी सीमेंट की मूढ़ियां भी अधिकतर जर्जर हो चुकी हैं, जिससे बरसात के दिनों में पुलिया पर पानी के जलस्तर का भी पता नहीं चल पाता है। ऐसे में लोगों के लिए पुलिया से गुजरना कहीं खतरे से कम नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाड़मेर के बायतू में दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में चार जने गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हुक्मा राम मजदूरी कर घर लौटा ही था कि भाइयों में कहासुनी हो गई। एक भाई ने दूसरे भाई के कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई पुत्री प्रेम भी घायल हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। आधार संचालकों व ई मित्र संचालकों ने उपखंड अधिकारी भूपेंद्र सिंह यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं संचालक नरेश सोनी ने बताया कि हाल ही में जारी की गई विज्ञप्ति में आधार संचालकों को 31 अगस्त के बाद ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर बैठकर ही आधार नामांकन करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं संचालकों ने बताया कि न तो आधार बनाने का कमीशन समय पर मिलता है और न ही इस कार्य का कोई निश्चित मानदेय दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से कोई भी कमीशन नहीं आया है। अगर कभी आ भी जाता है तो उसमें से 30% काट लिया जाता है। भरतपुर के डेगे से जलमहलों को पानी से भरने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से 18 किलोमीटर लंबी माइनर की सफाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि माइनर की सफाई पूजा अर्चना कर पोपलेन मशीन द्वारा की गई है। वहीं साथ ही बता दें कि माइनर की सफाई के बाद पानी तेज गति से डीग के जलमहलों के जलाशयों तक पहुंचेगा, जिससे कि महल प्रसिद्ध जलमहलों की नगरी कही जाने वाली डीग नगरी की तालाब में पानी भरने से रौनक बढ़ेगी। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा। पाली के सुमेरपुर में गौरव पथ निर्माण में कटाई होने वाले पेड़ों को लेकर उठा मामला अब एनजीटी कोर्ट में चला गया है, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। जानकारी के अनुसार किसान गौरव पथ में किसान संघर्ष समिति की ओर से जोधपुर कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आपको बता दें कि 1 जून को 2,86,00,000 रुपए की लागत से निर्माण होने वाले गौरव पथ निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विरोध किया था, जिसको लेकर समिति ने एक बैठक आयोजित की और 24 जुलाई को होने वाली पेशी के बारे में चर्चा की गई है। बाड़मेर के बायतू की सरुआ ढाणी की खोकसर में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल पिछले 13 दिनों से शिक्षक नहीं होने से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में एक ही शिक्षक कार्यरत था, लेकिन शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है। इससे विद्यालय के पिछले 13 दिनों से ताला लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। प्रतिदिन बच्चे स्कूल के बाहर आकर वापस लौट जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चित्तौड़गढ़ में ऋषि कला गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में चित्तौड़ जिले के निवासी कथक गुरु और नृत्यांगना आरती दिनेश जोशी का सम्मान किया गया। यह समारोह संस्कार भारती संस्थान में पंडित जगन्नाथ प्रसाद स्मृति मंच की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें सप्तऋषि कला गुरु सम्मान से लोगों का कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। धौलपुर के सेपू उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक व्याख्याता द्वारा
छात्र छात्राओं को भामाशाह के रूप में ड्रेस वितरित की गई है। संस्था प्रधान शिवदत्त शर्मा ने बताया कि विद्यालय द्वारा शुरुआत में कस्बे के भामाशाह को प्रेरित कर अक्षयदान पीठिका रखकर सरस्वती का मंदिर निर्माण कराया गया था, जिस पहल को मुख्य शिक्षा सचिव ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। उसी से प्रेरित होकर विद्यालय के व्याख्याता दीपक शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस भेंट की गई। वहीं कार्यक्रम में SDM विनोद शर्मा, स्कूल प्रशासन सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार सोलाना गांव निवासी बीरबल जाट ने मामला दर्ज करवाया था कि महिला मालती देवी ने घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो और फोटो बना ली है और बाद में झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। पुलिस ने फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलाना निवासी मालती देवी नायक, झुंझुनू निवासी राजेश सैनी व विजेंद्र सैनी को 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रामगंज मंडी के मोड़ा कस्बे में चोरों ने आतंक मचा रखा है। कस्बे में चोरों 2 बाइक और 1 ट्रैक्टर चुरा ले गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार मोड़क स्टेशन में बीती रात खेत में खड़े ट्रोली सहित ट्रैक्टर की ट्रोली हटाकर चोर ले गए। चोरों ने घर के पीछे खेत की दीवार तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 महीने में कस्बे में 2 दर्जन बाइक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश में बाल काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सीकर के फतेहपुर में महिला के बाल काटने का मामला सामने आया है। फतेहपुर के नवलगढ़ पुलिया खच्चीको के मोहल्ले में फरजाना बानो के बाल काटने के बाद दहशत का माहौल है। लोग रात्रि को घरों के बाहर लाठियां लेकर पहरेदारी करने लगे हैं। घटना के बाद महिलाओं को एक स्थान पर सुलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इन बातों को अफवाह बताया है। करौली में वृहद मतदाता पंजीकरण के लिए स्काउट गाइड छात्र छात्राओं व रेंजरों की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजनारायण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के नगाड़खाना दरवाजे से होते हुए जिला कलेक्टर पहुंची। रैली में बच्चों ने मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने जैसे नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया है। स्थानीय महासचिव अभय कुमार शास्त्री ने बताया कि मतदाता सूची में 31 जुलाई तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। राजधानी के शाहपुरा में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्कूली बच्चों ने रैली निकाली है। रैली शहर के मुख्य बाजारों से निकलकर पुनः विद्यालय पहुंची। इस दौरान बच्चों ने नारे लगाकर जनसंख्या पर रोकथाम का संदेश दिया है। रैली को स्कूल के निदेशक अनिल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलौरैनी पंचायत समिति की पंचायत बैरर में विधायक कोटे से बनाए जा रहे गैरी भवन में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी कर दी है, लेकिन किसी ने इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि DPS तक निर्माण किया जा चुका है, लेकिन तराई के अभाव में सीमेंट हाथ लगाने से गिर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत की तो कई दलाल मारपीट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में उपखंड से अधिकारी से शिकायत की है। बारां के हिजवा थाना के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया गया है। वहीं शौचालय निर्माण के कार्यों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने की बात कही गई। वहीं पंचायत को ODF करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक के बाद विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया है।
सीकर के फतेहपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी ऑटो चालकों का यूनिट कोड जारी कर दिया है। SHO महावीर सिंह राठौर ने बताया कि सभी ऑटो चालकों के नाम और पते लेकर सभी चालकों का यूनिक कोड तैयार किया गया है जो सभी चालकों को दिए गए हैं। ऑटो चालकों को उस सीरियल नंबर को ऑटो पर लगाना होगा, नहीं लगाने पर पुलिस चालान भी करेगी। वहीं पुलिस ने बताया कि सीरियल नंबर से यात्रियों को भी सुरक्षा को लेकर राहत मिलेगी। कस्बे के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर जो ऑटो चल रहे हैं, इनके बारे में जिला पुलिस अधीक्षक हमारे विनीत कुमार साहब के निर्देशानुसार एक सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है जिसके अंदर समस्त जो ऑटो के मालिक हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनकी डिटेल का सीरियल वाइज उल्लेख किया जा रहा है, अंकन किया जा रहा है। और साथ ही फतेहपुर पुलिस द्वारा इसके अंदर एक पहल की जाकर के उन सबको एक सीरियल नंबर अलॉट किया जा रहा है इस तरह का, जिससे कि रजिस्टर के अंदर कौन सी ऑटो का किस नंबर पर रिकॉर्ड संधारित किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।